बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों, आज आपके लिए माछ की दाल की जो रेसिपी लाया हूं, इसमें आपको खड़ी दाल मिलेगी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और दिखने में भी माशाल्लाह। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाव माछ की दाल ली है, जिसको अच्छे से भिगो के धो के मैंने भिगो के रखा हुआ है, और कुछ बाकी मसाले भी हैं। तो रेसिपी में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल का, और इसमें एक डालेंगे कटा हुआ नॉर्मल साइज़ का प्याज। इस प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, और मसाले प्याज पूरा ध्यान दिया जाएगा। आज मार्केट में मैंने ये धनिया देखा, माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत, इसके पत्ते देखें कितने प्यारे बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो मेरा दिल किया मैं आपसे शेयर करूं, जो चीज़ मुझे प्यारी लगती है, दिल चाहता है कि आप सब व्यूअर से भी वो डिस्कस हो। तो बताइएगा आपके इलाके में ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मुझे ये बहुत प्यारे लगे, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ऊप्स, ये गिर गया। क्रीम कलर देंगे प्याज को, और फिर इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को ऐसा होने में आते हैं, लगते हैं कोई 5 से 6 मिनट, तो 2 से 3 मिनट देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को भी, और फिर इसमें एक प्यारा सा रेड कलर का टमाटर ऐड कर देंगे। तो आज बहुत स्पेशल रेसिपी है, मिस नहीं करनी है आपने। हाफ चम्मच नमक का, हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून जाएगी हल्दी, और ये है खुश्क धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। मसाले के ऊपर आज हम बहुत मेहनत करने लगे हैं, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। मसाले को हम भुनेंगे कोई 7 से 8 मिनट। थोड़ा सा आपको फील हो के ड्राई हो गया तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दें, लेकिन इसको अच्छे से आपने पकाना है। ये 2 इलायची हैं, बड़ी साइज ब्लैक इलायची, इसको तोड़ के मैंने इसके अंदर डाला है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें माछ की दाल ऐड करेंगे। मैंने एक पाव ली है, जिसको अच्छे से धो के मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा पहले। अब मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने इसको भूनना नहीं है, बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर इसको ऑयल के अंदर हम इस तरह फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाती है। पानी ऐड करेंगे इसमें एक प्याली भर के, और यहाँ पे ही इसमें 2 अदद हरी मिर्ची कटी हुई ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना, पानी के अंदर ही दाल को हम करेंगे अच्छे से बॉयल, यानी कि अच्छे से यहाँ से गलाएंगे। ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर, और इसको पकने देंगे 18 से 20 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने एक दो दफ़ा इसको हिलाया और थोड़ा सा पानी भी और ऐड किया था। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे काली मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा, 2-2 चुटकी काफ़ी है। तो ये देखें, तकरीबन इसको 20 मिनट लगे हैं, अच्छे से दाल गल गई। बीच में मैंने इसको चम्मच से 2-3 दफ़ा हिलाया और थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ा। तो आपकी दाल के हिसाब से है, अगर आपकी दाल जल्दी ना गले तो आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट में ये गल जाती है। खूबसूरती के लिए 3 इसमें बड़ी हरी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने। यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगा मैं अदरक लंबे साइज़ की कटी हुई, और ये हमारा बहुत ही प्यारा धनिया। तो भुनाई कर देनी है आपने अच्छे से, जब आपने इसको गला लेना है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी खूबसूरत खड़ी खड़ी हमारी जो माश की दाल है वो तैयार है। खुशबू तो सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊँ, मेरी ये फेवरेट दाल है, और इसको मैं हमेशा पराठे के साथ खाता हूँ। लेमन एंड पे इसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल फ्रेश। तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉल में निकालते हैं, और फाइनल लुक को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा ये कैसी लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, एक एक दाना खड़ा खड़ा और अच्छे से गला हुआ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, जिसने नवाजा हमें अपनी रहमतों से और नेमतों से। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, कोई सवाल हो इजाज़ से ज़रूर पूछे, इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इसके साथ ही इजाज़ को इजाज़त दीजिए, तब तक अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।